हमारे पास तीसरा कोई विकल्प अभी नजर नहीं आ रहा। हम चाहते हैं तीसरा भी विकल्प हो, इसलिए हो क्योंकि हमको लाके गठबंधन का प्रत्याशी थोप दिया गया है। लेकिन श्री प्रकाश के जाने के बाद खास करके मुस्लिम समाज में कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 सालों से। हम उनके बंधुआ मजदूर नहीं है कि हम उनको फ्री में ऐसे ही जा करके वोट दे दें। चाहे भाजपा को हो चाहे इंडिया गठबंधन को हो, वो मुस्लिम कम्युनिटी को कभी भी नजरअंदाज ना करे। विकास होगा तो वो सबका होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से अलग अलग दलों ने वादे किए हैं उस पर लोगों की उम्मीदें भी हैं, तो उसके साथ उनके अलग मुद्दे भी हैं। आज हम मौजूद हैं कानपुर के मोहम्मद अली पार्क में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखते हैं। इनमें से कई जानकार हैं, कई शिक्षा से जुड़े हुए हैं और कई सामाजिक संस्था के लोग हैं। शहर के मुद्दों को लेकर इनसे बात करेंगे और खास करके जो अल्पसंख्यकों के मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब आलम खान, महामंत्री कुल हिंद जमीयतुल आवाम उत्तर प्रदेश। जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में इस बार जो प्रत्याशी आ रहे हैं, गठबंधन का प्रत्याशी है और दूसरा बीजेपी का प्रत्याशी है, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, एक गठबंधन का प्रत्याशी है, दूसरा बीजेपी का प्रत्याशी है, लेकिन हमारे पास तीसरा कोई विकल्प अभी नज़र नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं तीसरा भी विकल्प हो, इसलिए हो क्योंकि हमको लाके गठबंधन का प्रत्याशी थोप दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ वोट देने वाले नहीं ना, या हम सिर्फ किसी को जिताने वाले नहीं ना, हमारे भी कौम का आदमी आगे आना चाहिए। जब अगर हम हिंदू भाइयों को वोट देते हैं तो अब की से प्रत्याशी जो है गठबंधन का मुस्लिम होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। ये अखिलेश यादव जी की मकरूरियत है और राहुल गांधी जी की भी मकरूरियत है। जब हम वोट दे सकते हैं कानपुर शहर, इसी शहर के अंदर से तमाम लोग जो है मुस्लिम बड़े बड़े लीडर हुए हैं, आज से 40 साल पहले इसी शहर से सांसद हुए, तमाम लोग सांसद हुए, सुभाषनी अली भी सांसद हुई, वो कम्युनिस्ट की थी, और दीगर अलग अलग हुए, आरिफ मोहम्मद खान हुए यहाँ से, तमाम लोग हुए हैं यहाँ से। तो क्यों ना ऐसा होना चाहिए था कि खाली हम इतने साल से वोट ही दे रहे हैं, अब हमारा भी अधिकार है। अगर आप कहते हैं सब सबको साथ में लेके चलना चाहिए, लोकतंत्र का यही तो एक वो है ना। आप कहते हैं हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है, लेकिन अगर लोकतांत्रिक पार्टी है तो आपको किसी मुस्लिम कैंडिडेट को इस टाइम पे एक चीज़ और की, जिस तरह से प्रत्याशी की बात की जाए तो बाहर के प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है, इसके पहले भी बाहर के सांसद रहे हैं कानपुर में। अगर बाहर का सांसद बनता है तो ऐसे में क्या स्थितियां होती हैं? भाई, बाहर का सांसद बनता है, इससे पहले मुरली मनोहर जोशी कानपुर से आके चुनाव लड़े थे और लोगों ने हाल देखा कि पूरा शहर की जो समस्या थी वो जस की तस रही। आज हालात ये हैं कि मुस्लिम क्षेत्रों के इधर उधर तो काम होता रहता है, क्यों ना कहीं जो है जितने भी जो हमारा सबसे ज़्यादा हमारे जो मुस्लिम इलाके हैं वो पिछड़े हुए हैं ना, वहाँ स्वास्थ्य की जो है चीज़ें हैं ना, वहाँ शिक्षा का कोई हालात ये है कि देखिए अभी हमारे यहाँ हलीम कॉलेज जैसी संस्था जो हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ी संस्था दिया था, लेकिन वो जब से बनी है उसके बाद आज़ादी के बाद जब दूसरे लोगों ने उस पर आके जो हालात उसके पैदा करे हैं, जब से वो पिछड़ता चला जा रहा, उसके साथ साथ दूसरे संस्थान जो थे आज वो तरक्की करते जा रहे हैं, कहीं वो यूनिवर्सिटी बन चुकी है, कहीं इंजीनियर कॉलेज बन चुके हैं, लेकिन हलीम कॉलेज और पिछड़ता चला जा रहा। तो हमारी जो मेन बेसिक समस्या है उस पे काम होने के लिए हमको अपना सांसद चाहिए, लेकिन कम से कम हमारे जो मुद्दे हैं वो उठाने वाला तो सांसद हो। तो क्या लगता है आपका, जो सांसद रहे हैं उन्होंने अल्पसंख्यक के मुद्दों को पूरा किया, उनके कामों को किया, या उनके कुछ नए मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है? कुछ हद तक श्री प्रकाश जायसवाल जी ने कुछ काम किया था, मुस्लिम समाज में भी किया था और शहर में भी किया था। कई ट्रेनें उन्होंने चालू कराई, हवाई जहाज का कई पुल बनवाए, उन्होंने कुछ काम किया था। लेकिन श्री प्रकाश के जाने के बाद खास करके मुस्लिम समाज में कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 सालों से। और इस वक्त सीधी सीधी आमने सामने की लड़ाई हो गई है, एक तरफ बीजेपी का प्रत्याशी है, एक तरफ गठबंधन का है। अब हमारी ये मजबूरी है कि हमको गठबंधन के प्रत्याशी को ही समर्थन देना पड़ेगा, क्योंकि कोई विकल्प तीसरा है नहीं हमारे पास। ये हमारे ऊपर जो थोपा गया है ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सामने ये मजबूरी है। और अभी तक उन्होंने इन घनी आबादियों में कोई संपर्क भी नहीं किया है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो संपर्क नहीं करेंगे तो हम उनके बंधुआ मजदूर नहीं है कि हम उनको फ्री में ऐसे ही जा करके वोट दे देंगे। अच्छा, कम से कम आप आके संपर्क करें और हमारी एक सवाल ये भी उठता है कि अगर आबादी की बात की जाए, अगर आबादी की हम बात करते हैं तो मुस्लिम वोटरों की संख्या काफ़ी अधिक है और जो है दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आबादी है वोटरों की, ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशी तकरीबन जो है हाजी मुश्ताक सोलंकी के बाद से कोई नहीं किसी पार्टी ने बनाया, बड़ी पार्टी ने नहीं बनाया है,
और इसके पहले 40 साल पहले मुस्लिम सांसद हुए थे। तो आप लोग क्या इस बात की डिमांड करते थे कि मुस्लिम प्रत्याशी कोई पार्टी टिकट दे, कुछ इस तरह का कुछ माहौल बना था, क्या लगा? नहीं, देना चाहिए, लेकिन नहीं भी अगर आपने दिया तो कम से कम हमारे मसाइल को आपको जो कैंडिडेट है वो आके समझे। तो हमारे इन इलाकों में चमनगंज, बेकनगंज, कर्नलगंज, तलाक महल के अलावा हम से आकर के जुड़े तो कि भाई आपकी समस्या क्या है, आप हमसे पूछने नहीं आ रहे तो हम तुम्हारे बाप के बंधुआ मजदूर थोड़ी हैं कि हम आपको वोट दे देंगे। आप आइए हमारे इन इलाकों में, लोगों से मिलिए, उनकी समस्याएं समझिए और आश्वासन दीजिए कि जीतने के बाद उनको हल कराएंगे, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जिस तरह से आपसे एक सवाल करेंगे कि जाति समीकरण के आधार पर जो है पार्टियां टिकट देती हैं, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये आपका नज़रिया है, लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी जब ढूंढने की बात होती है तो यहाँ पर जो है स्वर्ण प्रत्याशी जो है ढूंढा जाता है कि ब्राह्मण या ठाकुर प्रत्याशी हो, जबकि दूसरे नंबर पर जो है मुस्लिम सबसे बड़ी आबादी है, जो वोटर है, इस पर आपका क्या कहना, क्यों ऐसा होता है? सर, मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा जो भी प्रत्याशी हो कानपुर का MP के चुनाव में, सबसे पहले तो वो लोकल होना चाहिए, कानपुर का होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि हम बाहर के प्रत्याशियों को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, जो लोकल होता है उससे मिलना संपर्क करना बड़ा आसान होता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं चाहे किसी भी कम्युनिटी का प्रत्याशी हो, किसी भी कम्युनिटी का, लेकिन जब कोई भी जीत के जाता है वो दोनों कम्युनिटी का ध्यान रखे। और जहाँ तक सवाल है कि हम ये चाहते हैं कि जय पूरे शहर का विकास हो, उसी के साथ साथ मुस्लिम क्षेत्रों का भी साथ में विकास हो, तरक्की हो। और चूंकि ज़रूरी नहीं कि हम खाली इंडिया गठबंधन वोट देते हैं, बहुत से मुस्लिम्स भाजपा की वोट देते हैं, इसलिए जो भी जीते चाहे भाजपा का हो चाहे इंडिया गठबंधन का हो, वो मुस्लिम कम्युनिटी को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, हमेशा उसका ध्यान रखें। अब मुद्दों की तरफ आते हैं कि क्या मुद्दे हैं, नए मुद्दे क्या हैं, अगर सांसद की बात किया, क्या आप मांग करते हैं कि जो पूरे होने चाहिए? जी, हम आपसे करते हैं कि जो धर्म के नाम पे और जात के नाम पे वोट मांगे उसको वोट हमेशा विकास और जो एक प्रोग्राम होते हैं हर समाज के लिए कि पिछड़ा वर्ग के लिए करेंगे, दलित समाज पिछड़ा है, अल्पसंख्यक समाज, ये इनके लिए प्रोग्राम लाएं, मैनिफेस्टो लेके आएं, उसके आधार पे वोट करें। ये जात नहीं कि हमारे समाज तो हम इनको वोट डिजर्व नहीं कर रहा है, जब भी हम वोट देंगे इससे इस मानसिकता से उठना चाहिए। जैसे इसकी झलकियां 1980 आप याद करें, ऐतिहासिक दौर था वो, 1980 में आरिफ मोहम्मद खान चुनाव जीते थे और रनर कौन था, विनर अगर आरिफ मोहम्मद खान थे, रनर मकबूल हुसैन कुरैशी थे। तो ये सब परंपरा थी, ये सब जात पात नहीं होता था, सीधे इंसान कैंडिडेट देता था, कुछ भी नाम हो किसी समाज से इससे मतलब नहीं होता था। हमारे शहर के लिए कितना अच्छा होगा इस पर गौर किया जाता था। तो फिर एक बार यही चाहूँगा कि जो वो दौर था उसी दौर पे आज हम वो ना देखें कि जात से आया है, किस समाज से आया है, सिर्फ वो देखें कि हमारे शहर, हमारे समाज अपने पूरे शहर को विकास कर सकता है, उस मुद्दे पर वोट करना चाहिए। नए मुद्दों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों के इस समय शहर में सबसे बड़े क्या मुद्दे हैं, सांसद से क्या उम्मीद करते हैं, जो नया सांसद है वो क्या करे ऐसा? देखिए, नया सांसद जीत के आएगा, पहले तो चीज़ ये है कि भाई हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं, विकास होगा तो वो सबका होगा, विकास की राजनीति पे अगर वोट देना है तो विकास सबका होगा। एक अगर रोड बनेगी वो चमनगंज से जाती है प्रेम नगर तक के, तो सबका विकास होगा, लेकिन बात तो विकास की होती है, जैसे कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास और सब पे विश्वास, लेकिन जब जीत के आते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं। कोई भी प्रत्याशी हो, जो प्रत्याशी अगर है मौजूदा और जो जीत के आएगा, उसको ये चाहिए कि जो मुसलमानों के बेसिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए और हमारी जो मांगे हैं उनको मानना चाहिए, जो हमारे मामलात हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि हकीकत में अभी जो तमाम लोगों की रिपोर्टें आई हैं कि मुसलमान दलितों से ज़्यादा बदतर स्थिति में जी रहा है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो चिकित्सा में हो, हर चीज़ से पिछड़ा हुआ है मुसलमान। जिस तरह से अगर बात की जाए बाहरी सांसद और कानपुर के सांसद की बात हो रही थी, मिलना कितना आसान होता था जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी यहाँ पर सांसद थे और तब इसके बाद अभी जो मौजूदा सांसद हैं सत्यदेव पचौरी, तो क्या मिलने में कभी कोई दिक्कत हुई या अपने मुद्दों को लेकर बात करने में कोई दिक्कत हुई कुछ ऐसा? सत्यदेव पचौरी जी से तो 2-3 बार हम लोग कई मामलों में गए और उन्होंने काम भी किया, लेकिन चूंकि वो मुकामी थे इसलिए उनसे आसानी से मिल लिए। एक बार शहर काजी आलम रजा खान नूरी साहब के साथ गए थे और एक बार मुफ्ती साकी उदीप साहब के साथ गए थे, तो खैर उन्होंने दोनों काम किए, लेकिन आसानी ये थी कि वो मुकामी थे। अब चूंकि ये बाहर के हैं
तो इनसे तो मिलना ही दूभर हो जाएगा, तो काम कहाँ से कराएंगे। सबसे बड़ी परेशानी तो ये होगी। जिस तरह से आपने देखा कि लगातार यहाँ पर लोगों ने ये बताया कि जो प्रत्याशी हो वो कानपुर का हो, इससे ये होगा कि वो शहर के मुद्दों को समझ सकेगा। अल्पसंख्यकों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह पर यहाँ पर विकास की जब बात होती है तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। ऐसे में जो भी सांसद बने वो विकास करे। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।